श्रीकाल जी। नैक्सट व्यास 78 लिखो जी। इस सोच विच कोई संदेह नहीं के सुस्त ढिले अते पोस्ती व्यक्ति स्पष्ट रूप विच समाज दे नकारे अंग वांग हन, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समुचे समाज दे हित लई कोई हिस्सा नहीं पा रहे हुंदे, सगों ओ आप समाज ते भारू हुंदे हन। डंडी ए भी दुरुस्त है कि उन्हां वास्ते विकसित व्यक्तियां दे लिस्ट विच शामिल होना औखा नहीं। डंडी परा वास्तव विच लोड़ ए है कि हरेक मनुख किसी भी कष्ट जा मुश्किल समय हौसला पस्त ना होन देवे अते ओ वड्डे साहस नाल समस्यावां नाल जूझे, क्योंकि इस तो अगे ही उस दे आस अते मंजल हो सकती है। डंडी ए सच है कि उन्नति उन्हां दे हिस्से आउंदी है जो व्यक्ति बार बार शिकस्त तो बाद भी हौसला नहीं हारदे। डंडी परा इस तो अलावा सुस्त अते ढिले व्यक्ति साहित्यक रुचि भी वधाउण, क्योंकि चंगियां पुस्तकां एक सुहिरद दोस्त वांग नेक नसीहत दिंदियां हन। डंडी जिस्मानी पहलू तो चुस्त रिष्ट पुष्ट अते अच्छी सेहत वाले होण लई योगा अते जिमनास्टिक जहे अभ्यास श्रेष्ठ गिने जांदे हन। रणनीति